अंशदायी पेंशन स्कीम को खत्म कर 2003 से पूर्व पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर बिलासपुर जिले के सैकड़ों शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जहां शिक्षकों ने सरकार से जल्द ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की, तो साथ ही आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अंशदायी पेंशन स्कीम को बंद करने और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बिलासपुर जिला के सैकड़ों शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इससे पहले शिक्षकों का धरना ब्लॉक लेवल पर आयोजित किया गया था, मगर सरकार द्वारा मांगों को पूरा न करने के चलते प्राथमिक शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर धरना देकर अपनी मांगों को पूरा करने की सरकार से अपील की है। वहीं शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा का कहना है कि 2003 के बाद सरकारी कर्मचारियों को जहां नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जा रही है, वे नो पेंशन के बराबर है, जिससे कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है। साथ ही उन्होंने 2003 से पहले की पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने और अंशदायी पेंशन योजना को बंद करने की भी सरकार से अपील की है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर प्राइमरी टीचर फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इस धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो 2003 के बाद के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई है, मैं उस पेंशन योजना को पेंशन योजना नहीं नो पेंशन योजना मानता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि कर्मचारियों के साथ जो ये बहुत बड़ा धोखा और अन्याय हुआ है उसे वो वापिस ले और 1947 के तरह जो आज तक 2003 तक जो कर्मचारियों को पूर्व पेंशन मिलती रही है उस पुरानी पेंशन योजना को लागू करें। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कर्मचारियों का 10% वेतन काटा जाता है जो लगभग 5,000 से 10,000 के बीच बनता है, लेकिन जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उसे मात्र 1,000 से 2,000 के बीच पेंशन दी जाती है, जो कर्मचारियों के साथ सीधी और खुली लूट है। हम उसका विरोध कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? आगे हमारी रणनीति जो है इसके बाद प्रदेश स्तर के ऊपर पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में सचिवालयों में धरना प्रदर्शन होंगे, जो जनवरी मास में उनकी तिथि घोषित कर दी जाएगी और उसके बाद फरवरी में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने रामलीला मैदान में एक बहुत बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश जो है 23 फरवरी को हिस्सा लेगा और वो धरना प्रदर्शन 7 दिन तक वहां पर चलेगा। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो हम इस लड़ाई को और तीव्र करेंगे और सरकार को चुनावों में झुकने के लिए मजबूर करेंगे। वहीं संघ की उपाध्यक्ष का कहना है कि आने वाले समय में सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो जनवरी माह में ये प्रदर्शन राज्य स्तर पर सचिवालय के बाहर किया जाएगा, जिसके बाद फरवरी माह में अखिल भारतीय शिक्षक संघ के आह्वान पर रामलीला मैदान पर 1 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। वहीं प्रदर्शनकारी अध्यापकों ने बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी भेजा है। हम आज धरने में उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करे और जो नई पेंशन कर्मचारियों को दी जा रही है उसमें हमारे हकों का शोषण हो रहा है उसको जो है सरकार बंद करे, ये हमारी मांग है। आगे प्रदर्शन जारी रहेगा आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? यस, हमारा प्रदर्शन अभी तो पहले हमने ब्लॉक स्तर पर किया था, अब हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया हुआ है, आगे जो है हमारा ये प्रदर्शन जो है स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जारी रहेगा। जब तक हमारी जो है मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।